व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज मेरा गला ख़राब है तो मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ। और ये देख सकते हैं आप, ये लैपटॉप है और काफ़ी पुराना लैपटॉप है, ये नया मॉडल नहीं है। ये लिनोवो का B4560 है, लेट मी चेक, B560। तो B560 है ये। और ये इसमें काफ़ी धूल भी जम गई थी, डस्ट भी जम गई थी, बहुत टाइम से यूज़ नहीं हुआ है और अभी इसमें एक प्रॉब्लम आ गई है। तो प्रॉब्लम मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने इसको ऑन कर दिया है और ये अपने आप ही बंद हो गया और अपने आप ऑन हो गया। और ये देखिए, डिस्प्ले दिखाता हूँ आपको। डिस्प्ले पे कुछ नहीं आ रहा है और ये ऑन है, देख सकते हैं आप, ये ऑन है। डिस्प्ले बिल्कुल ब्लैक है, वैसे ही कुछ भी नहीं आ रहा है यहाँ पे। तो हार्ड ड्राइव के चलने की आवाज़ आ गई है और लेकिन डिस्प्ले पे कुछ भी नहीं आ रहा है। तो मैं इसको बंद करता हूँ। और इसे खोलेंगे, इसका जो ये पैनल है इसको खोलते हैं। यहाँ पे हमें रैम मिलेगी अंदर, तो डायग्नोस करते हैं, देखते हैं, पहले एक अटेम्प्ट करते हैं। हो सकता है कि पहले अटेम्प्ट में ही ये लैपटॉप जो है फिक्स हो जाए। तो क्या करेंगे, यहाँ पे रैम लगी है, इस रैम को बाहर निकालेंगे। और ये देख सकते हैं आप, ये इरेजर है, इरेजर से मैं इसे ऐसे रब कर रहा हूँ। और अब मैं इसको इसमें वापस लगा रहा हूँ। और फिर से हम इसका जो कवर है वो लगा रहे हैं इस पे। अब इसको दोबारा ऑन करके देखेंगे। तो ये मैं यहाँ पर डिस्प्ले दिखा देता हूँ आपको, ये मैं ऑन करता हूँ। तो ये जलन जल, तो ये देखिए डिस्प्ले आ गई। और ये लैपटॉप जो है, देखते हैं बूट होता है, तो ये बूट हो गया। तो ये लैपटॉप जो है चलने लगा। तो ये जो प्रॉब्लम है ज़्यादातर केसेस में तब आ जाती है जब लैपटॉप जो है काफ़ी टाइम से रखा रहता है या रैम वाले एरिया में कार्बन जम जाता है, मतलब उस पोर्ट में कार्बन जम जाता है। और ये दिक्कत जो है पीसी में भी आती है। जुकाम की वजह से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ ठीक से, वरना आपको थोड़ा बेटर एक्सप्लेन करके बता देता मैं। तो मतलब आप समझ जाइए, पोर्ट की ही पोर्ट में डस्ट जम जाती या कार्बन जम जाता है, तो उस वजह से ऐसी प्रॉब्लम आती है। पीसी में बहुत सारे रीज़न होते हैं, इवन लैपटॉप में भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नहीं कहूँगा, कभी कभी क्या होता है कि ये चीज़ अटेम्प्ट करो तो फिक्स हो जाता है लैपटॉप और पीसी दोनों, जैसे अभी फिक्स हो गया।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए बाय बाय।